अस्सलाम वालेकुम, लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर। इस ख्वाहिश के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज थोड़ा सा हट के मैं आपकी खिदमत में एक जायज़ा पेश कर रहा हूं। जिस तरह आप जानते हैं कि मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं आपको सही गाइड कर सकूं, स्पेशली ऐसी चीज़ों के बारे में गाइड कर सकूं जहां आपका कुछ फ़ायदा हो सके। सो रियल इस्टेट के हवाले से इस वक्त मैं सेक्टर जे मलीर कैंट में मौजूद हूं और मैं इसका एक व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किस कदर खूबसूरत ये सोसाइटी है और यहां सिक्योरिटी और हर किस्म की यूटिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि ये मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड से कंट्रोल होती है, तो यहाँ आप इंतहाई सेफ़ और सिक्योरिटी फील करते हैं। तो इसका सेक्टर जे जो है वो मैं इस वक्त आपको उसका व्यू दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हों तो इसको ज़रूर कंसीडर करें। इस वक्त मैं इनके 375 गज़ के बंगलों के साथ विज़िट कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि रात का वक्त है लेकिन किस कदर साफ़ सुथरी सड़कें और ख़ूबसूरती मौजूद है। ये इसका चिल्ड्रन पार्क है एक छोटा सा, जो इस वक्त तो इसमें लाइटें नहीं जल रही, अदरवाइज़ इसमें बहुत बेहतरीन किस्म की लाइटें और स्प्रिंकलर वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है। सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी आप देख रहे हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम मौजूद है और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आपको हर किस्म की लाइट्स और चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ 375 गज़ के घर भी मौजूद हैं और प्लान्ड अपार्टमेंट भी मौजूद हैं। तो अब मैं इस वक्त अपार्टमेंट एरिया में जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इंतहाई प्लान्ड किस्म की अपार्टमेंट हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे घर मौजूद हैं और राइट साइड पे आप देखें ये 12 से 13 मंजिला ऊंची बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट की, जो बड़ी ख़ूबसूरत और वेल मेंटेन है। इस जगह की सबसे ख़ास बात ये है कि प्रॉपरली मैनेज की गई है, प्रॉपरली बनाई गई है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की रोड्स, पार्किंग, लिफ्ट पार्किंग, लिफ्ट्स, कार्गो लिफ्ट्स और हर किस्म की फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं। सो ये सेक्टर जे ब्लॉक है ये, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर कंसीडर कीजिए। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा वो चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो मैं ख़ुद आजमा चुका हूँ, तो मेरी ख़ुद अपनी रिहाइश मलीर कैंट में है तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इस इलाके को ज़रूर कंसीडर कीजिए, देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी रिहाइश रखना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंतहाई सेफ इलाका है, सिक्योरिटी बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इंतहाई पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ रहाइश अख्तियार कर सकते हैं। यहाँ रात के वक्त भी आपकी फैमिलीज सुकून के साथ घूम फिर सकते हैं और उसके अलावा आरामदेह और एक पीसफुल एनवायरनमेंट है। स्पेशली कराची में ऐसा एनवायरनमेंट मिलना तकरीबन नामुमकिन है। ये दूसरा पार्क है, अगेन बच्चों के लिए, जो कि सेंटर में है, खूबसूरत पार्क। और राइट साइड पे मेरे बिल्डिंग्स हैं जो 12 मंजिला बिल्डिंग्स हैं और यहाँ बड़े अपार्टमेंट्स हैं जो कि तकरीबन 2700 से 3200 स्क्वायर फुट हैं। और लेफ़्ट साइड पे मेरे ये बेंगलोज हैं जो 375 गज़ के ऊपर मुहित हैं। यहाँ हर किस्म की यूटिलिटी मौजूद है और किसी किस्म का पानी का, गैस का
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एडिशनली यहाँ फिल्टर प्लांट भी लगे हुए हैं, तो आप पीने के पानी के से भी बिल्कुल यहाँ प्रॉपरली हासिल करते हैं। हर जगह हर कॉर्नर पे आप देख रहे हैं सिक्योरिटी मौजूद है। सेंटर में एक खूबसूरत सी मस्जिद, ये बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं।